हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरबजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेआर लर्निंग पॉइंट। आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम लुकअप फंक्शन के बारे में सीखेंगे। लुकअप फंक्शन आपको वर्कशीट रेंज से वैल्यूज़ को लुकअप कराने में हेल्प करता है। एक्सेल में दो तरीके के लुकअप फंक्शन यूज़ किए जाते हैं, वर्टिकल लुकअप बाई यूजिंग वी लुकअप फंक्शन, हॉरिजॉन्टल लुकअप बाय यूजिंग एच लुकअप फंक्शन। वर्टिकल लुकअप में लुकअप ऑपरेशन वर्कशीट रेंज के फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट होता है, वहीं दूसरी तरफ हॉरिजॉन्टल लुकअप में लुकअप ऑपरेशन वर्कशीट रेंज की फर्स्ट रो से स्टार्ट होता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल वी लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं, तो चलिए सीख लेते हैं कि वी लुकअप फंक्शन काम कैसे करता है। अगर आप इस एक्सेल की वर्कबुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरे पास यहाँ जो डेटा देख रहे हैं उसमें मेरे पास एक दो टेबल हैं। फर्स्ट टेबल में मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, सैलरी और एक्सपीरियंस उसमें डेटा दिया हुआ है। अब दूसरे टेबल में मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय आईडी दी हुई है। अब इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पर मुझे यहाँ से सैलरी और एक्सपीरियंस से पिकअप करके लेके आने हैं। अब आप चाहें तो इसको कंट्रोल एफ करके फाइंड करके यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, पर क्या हो जब आपके पास काफी सारा डेटा हो तो क्या आप बार बार फाइंड करके यहाँ सैलरी और एक्सपीरियंस लिखेंगे? नहीं, तो आपको एक फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वीलुकअप फंक्शन इसको बहुत इजी तरीके से करता है, तो देख लेते हैं कि वीलुकअप फंक्शन काम किस तरीके से करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही इज इक्वल टू वी एल टाइप करूंगा, टैब प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है। अब वीलुकअप फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वो देख लेते हैं, जैसे कि वीलुकअप ब्रैकेट स्टार्ट और इसके बाद आ रहा है लुकअप वैल्यू। अब ये लुकअप वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके थ्रू हमें डेटा को फाइंड करना है, यानी ये जो एम्प्लॉय आईडी है इसके थ्रू हमें यहाँ पे इस टेबल से डेटा फाइंड करके लेके आना है। और ये वैल्यू वो भी होती है जो टेबल एरे के अंदर, जो इसके बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल एरे के अंदर फर्स्ट कॉलम में होगी। तो ये आपको ध्यान रखनी है, पहला कि ये दोनों टेबल के अंदर कॉमन वैल्यू है, दूसरा टेबल एरे में फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एम्प्लॉय आईडी को। अब यहाँ पे कॉमा टेबल अरे जैसे मैंने आपको बताया कि इस टेबल से मुझे डेटा को फाइंड करना है, तो आप हेडर के साथ भी कर सकते हैं या सिर्फ जो वैल्यूज है उसको भी आप सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ तो मैं सिर्फ वैल्यूज को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल बैकस्पेस से ऊपर की तरफ वापस जाता हूँ। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे लुकअप लिख के आ रहा है। अब लुकअप क्यों लिख के आ रहा है? ये जो रेंज दी है मैंने इसको ऑलरेडी नेम दे रखा है, तो ये जो रेंज नेम कैसे देते हैं ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहले वो वीडियो देख ले, ठीक है? उसका लिंक मैं आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे ये लुकअप टेबल, अब ये लुकअप टेबल एक क्या होती है? तो यहाँ पे जो टेबल एरे लिखा है इसको टेबल रेंज भी कहते हैं, लुकअप टेबल भी कहते हैं और लुकअप एरे भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, लुकअप में वो वैल्यूज भी होंगी जिसके थ्रू हमें डेटा को फाइंड करना है, जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे वो वैल्यू भी होंगी जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करके रिजल्ट में लेके आनी है। तो यहाँ पे वो पूरी की पूरी टेबल को सेलेक्ट किया जाता है। ध्यान रखना है कि टेबल अरे देते वक्त वो फर्स्ट कॉलम कौन सा होगा, फर्स्ट कॉलम जो हमने यहाँ पे दे रखा था, जैसे F3 में हमने फर्स्ट कॉलम के नाम पे क्या दिया था, एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पे वो फर्स्ट कॉलम में जरूर होनी चाहिए, ठीक है? तो टेबल अरे इस तरीके से दिया जाएगा। दूसरा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है? कॉलम इंडेक्स नंबर टेबल अरे का वो पार्ट होता है जिसको हमें रिजल्ट के रूप में यहाँ पे लेके आना है। तो पार्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे किस कॉलम से वैल्यू हमें यहाँ पे लेके आनी है, क्योंकि ये वर्टिकल लुकअप है तो हमें वर्टिकल जो वैल्यूज चल रही है यानी कॉलम्स जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करके लेके आनी है। तो यहाँ पे कौन सा कॉलम होना चाहिए? सैलरी। अब ये सैलरी कौन सा कॉलम? फर्स्ट कॉलम पे है एम्प्लॉय आईडी, दूसरे पे है सैलरी, तीसरे पे है एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे सेकेंड कॉलम टाइप करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो अब आ रहा है इसे कहते हैं हम रेंज लुकअप। अब ये रेंज लुकअप होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, काफी लोग इसे ठीक से जानते नहीं है। तो यहाँ पे ट्रू के लिए क्या है, अप्रोक्सीमेट मैच, तो इसके लिए हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे फॉल्स कब टाइप किया जाता है। फॉल्स की जगह हम जीरो भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस आर्गुमेंट को फिल नहीं करते, क्योंकि ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं
तो ये थर्ड ब्रैकेट जो आती है बड़ा कोष्टक, इसके अंदर कुछ भी वैल्यू दिए, अगर हम नहीं भी देंगे ना इस वैल्यू को, तो क्योंकि ये ऑप्शनल होता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो अप्रोक्स मैच ले लेगा, यानी ट्रू वैल्यू कंसिडर कर लेगा। तो अभी हमें इसे क्या देना है, फॉल्स। तो यहाँ पे हमें फॉल्स फंक्शनैलिटी का यूज करना है, फॉल्स फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे जीरो, क्योंकि फॉल्स को जीरो से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप देखेंगे कि इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे मेरे पास सैलरी क्या रही है, 123,553। अगर आप कंट्रोल एफ करके फाइंड आउट करना चाहे तो कंट्रोल एफ करके भी ढूंढ सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 123,553। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ और अब मैं एक्सपीरियंस भी वी लुकअप के थ्रू लेके आता हूँ। तो यहाँ पे वी एल जैसे ही लिखा ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे लुकअप वैल्यू मैंने कौन सी दी, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करने के बाद टेबल अरे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अगर आप चाहें तो, अगर मैंने रेंज दे रखी थी ना, तो यहाँ पे F3 भी दूंगा, तो यहाँ पे मैंने कौन सी टेबल यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, अगर आप रेंज F3 के हिसाब से सेलेक्ट करना चाहें। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सी लुकअप, तो यहाँ पे कौन सी लुकअप, ये लुकअप। ओके, तो जैसे ही मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो देखिए इस रेंज को उसने सेलेक्ट कर लिया। कॉलम इंडेक्स नंबर अब मेरे पास क्या निकाल के लाना है, यहाँ पे एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कौन से कॉलम में, पहले कॉलम में यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, दूसरे पे सैलरी, तीसरे पे एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे मैं 3 नंबर दूंगा और उसके बाद मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच के लिए मुझे यहाँ पे 0 यूज करना पड़ेगा। एग्जैक्ट मैच किस तरीके से काम करता है, एग्जैक्ट मैच काम करता है कि इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पर मुझे जो रेंज में दिया हुआ है ना वही वैल्यू सेलेक्ट करके लानी है, यानी इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पर जो सैलरी और एक्सपीरियंस दिया है करेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको जैसे 0 प्रेस किया एंटर करके, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, एक्सपीरियंस 33 ईयर। तो यहाँ पे इसको नीचे की तरफ ट्रैक कर दूंगा, तो इस ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं रिजल्ट निकाल के लाया। तो ये होता है वीलुकअप यूज करने का सही तरीका। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि वीलुकअप के अंदर ट्रू फंक्शनैलिटी का यूज कैसे करेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी ही नई वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।